सिक्स्थ जो फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारा वो है मोडुलस फंक्शन। इससे पहले चार फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन डिस्कस कर लिया हमने, कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस कर लिया, पॉलीनोमियल फंक्शन डिस्कस कर लिया और रैशनल फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मोडुलस फंक्शन। ये बड़े कमाल का फंक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है इसमें, मैं पहले आपको बता देता हूं, डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है और वो इस तरीके से लिखा गया है। ये जो दो लाइनें हैं डिटरमिनेंट में भी हमने यूज की हैं, बट यहां डिटरमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर रहे, हम क्या फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये सिंबल अब हम यूज करेंगे किसके लिए, मोडुलस फंक्शन के लिए। होता क्या है मोडुलस, मोडुलस आपने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में कभी फाइंड आउट किया होगा कि आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं हमेशा। मोडुलस जब किसी नेगेटिव नंबर का भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सपोज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन है आपका, तो वाई की वैल्यू एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू मोडुलस ऑफ माइनस वन विल बी इक्वल्स टू वन, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली। चलिए x की वैल्यू आपकी 1 है, सो y इक्वल टू एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 और पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज मिल जाएगी आपको, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो आपको क्या होके मिल जाएंगी, पॉजिटिव होके मिल जाएंगी। ये मॉडुलस फंक्शन है। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन इसकी। द मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन फ्रॉम, फंक्शन है तो उसके लिए डोमेन होगा और कोडोमेन होगा। सो इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोडुलस ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड मोडुलस फंक्शन। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको मैं लिखता हूं देखिए अलग से। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब कौन कौन से पार्ट, देखिए फॉर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। जीरो जो होता है वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बट जब अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो जीरो उसमें आ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। हालांकि उसको पॉजिटिव में भी नहीं रखते हम, बट नॉन नेगेटिव में तो हम उसे रखेंगे ही क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स से आपको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे कि यहां देखा हमने, जैसे कि यहां देखा हमने सेकंड पार्ट में, ये देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई, एज इट इज वही मिल गई जो एक्स की वैल्यू थी। तो वही मैंने यहां लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखिए जब दूसरी कंडीशन, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू होने पे भी हमें क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, नेगेटिव वैल्यू होने पे भी हमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो पॉजिटिव कब मिलेगी, जब हम पहले ही उस नेगेटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। समझे आप मेरी बात, x की वैल्यूज जब नेगेटिव हैं, x की वैल्यूज जब नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में हमेशा क्या हमें मिलना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज मिलनी चाहिए, मॉडुलस फंक्शन का मतलब यही होता है। सो उस नेगेटिव कंडीशन में जब x की वैल्यूज नेगेटिव हैं तो हम x को पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और वो फिर पॉजिटिव वैल्यूज कैसे देगा वो बताता हूं आपको। देखिए जैसे x की वैल्यू, तीसरा केस ले लेता हूं, x की वैल्यू माइनस टू रखी आपने, अब f of x जो है वो माइनस x है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x नेगेटिव है, x इज लेस देन जीरो, सो f of x क्या मिलेगा मुझे, माइनस x। सो माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस टू, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस और x की वैल्यू, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू, जो कि क्या है, पॉजिटिव। और मॉडुलस फंक्शन करता भी यही है, नेगेटिव वैल्यूज जो है उनका भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज देता है। गॉट इट। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें टेबल चाहिएगी, सो पहले टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल बनाने के लिए रफ सी टेबल बना लेता हूं मैं, कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ये x की वैल्यू है और ये मोडुलस ऑफ x की वैल्यू, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मोडुलस ऑफ x। देखिए
ये जीरो आ गया, तो जीरो पुट करने पे जीरो ही आ जाएगा। माइनस वन पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी मुझे, प्लस वन मिल जाएगा। माइनस टू पुट किया तो टू मिल जाएगा। माइनस थ्री पुट किया तो थ्री मिल जाएगा। वन पुट किया तो वन ही मिलेगा, टू पुट किया तो टू, और थ्री पुट किया तो थ्री। सो अब इसको हम ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। देखिए शेप्स में जाता हूं मैं और एक ग्राफ लेके आता हूं। चलिए ग्राफ मैंने रेडी कर रखा है। देखिए अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं हम। जीरो पे जीरो है तो एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको। वन पे आपको वन मिल जाएगा तो एक पॉइंट ये मिल गया, वन वन। टू पे आपको टू मिल जाएगा तो ये टू टू पॉइंट मिल गया। थ्री पे आपको थ्री मिल जाएगा, सो ये थ्री थ्री ये पॉइंट मिल जाएगा। माइनस वन पे भी आपको वन मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो एक पॉइंट ये हो गया माइनस वन वन। एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू भी माइनस वन। माइनस टू पे भी आपको टू मिल जाएगा, सो एक वैल्यू ये मिली आपको माइनस टू टू। और माइनस थ्री पे भी आपको थ्री मिल जाएगा, सो माइनस थ्री थ्री। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी यही है। चलिए अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, वन टू थ्री। मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके और ये इस साइड, तो ये इस शेप का आपको ग्राफ मिलेगा। मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ की जो शेप होगी वो इस तरीके की होगी। अब इसमें रेंज और डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर का सेट। क्योंकि डोमेन में आप नेगेटिव वैल्यूज रखिए, पॉजिटिव वैल्यूज रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज, नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ सेट आर। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि पॉजिटिव में फिर जीरो इंक्लूड नहीं होगा। सो नॉन नेगेटिव बोलने से जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जीरो है ना आपके ग्राफ में, आपको जीरो भी मिलेगा, रेंज में जीरो भी मिलेगा। ठीक है, जीरो पे भी आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है कुछ। सो नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आर विल बी योर रेंज। सो डोमेन पता कर लिया हमने और रेंज भी पता कर लिया। यहाँ एक्सिस जो है वो नहीं लिखे मैंने, सो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को आप यूं भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। सो नोटेशन है, जो चाहे आप यूज करें, बात समझ आनी चाहिए।